शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे इस माह ने कर दिया। जुम्बिशे लब से पहले हुई ये अता, जुम्बिशे लब से पहले हुई ये अता। खाली दामन को खुशियों से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शान रमज़ान 2022 की चूँकि मुमकिन तौर पर एक आखिरी नशस्त है, इसलिए हमने आज ये चाहा कि शान रमज़ान 2022 के सफ़र को कुछ लम्हात में आपसे डिस्कस कर लें। ये किस तर्ज की बॉन्डिंग होती है, हमारे पास सेट पे क्या माहौल होता है, इसके एक झलक के लिए आपको पिछले सेगमेंट का अख्ताम का जो हिस्सा होगा वो बताने के लिए काफ़ी होगा कि किस तरीके से हमारी एक साथी थी वो आपदीदा हुई। और यहाँ पर वाकई हो रहा होता है कि जब हम इस सेट को वाइंड अप कर रहे होते हैं, जब ये नशरियात बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में दाखिल होती है, तो वो सिर्फ आप लोग नहीं होते, चूँकि हमें पैगाम से अंदाज़ा होता है, तो सिर्फ आप लोग नहीं होते जो अपने अपने घरों में बैठे हुए ज़रा इसको मिस कर रहे होते हैं या इस पर ज़रा उदास होते हैं, हम सब भी यहाँ पर उसकी एक एक चीज़ को फील कर रहे होते हैं। इस दफ़ा शान रमज़ान 2022 का सफ़र, हम यही बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम कि अल्लाह ताला अपने करम से हर साल पिछले साल से मज़ीद कोई ना कोई बेहतर कोई सिलसिला हो जाता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस दफ़ा हमने जितने पुरसकून अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला किया बहुत अच्छा रहा। इब्तिदा में शान रमज़ान 2022 का तराना, जिससे हम कोशिश करते हैं तराने के बारे में, हमने एक उसूली फैसला किया हुआ था और ख़ास तौर पर जब वाक़यात हो गए जुनैद भाई और अमजद भाई के, तो उसके बाद हमने तय किया था कि लोग अब इस तराने को इसी अंदाज से सुनना चाहते हैं। शान रमज़ान का तराना है, उसमें हम कुछ ना कुछ तरमीम या थोड़ा बहुत इजाफा किसी एक शेर का या कुछ वो ज़रूर करें, लेकिन इसमें जो जुनैद भाई का जो अमजद भाई का जो पार्ट है और उस तराने का जो ओवरऑल रंग है उसको वैसे ही रखें, और वो हमने कोशिश की कि इस बार भी रखें जरा सी तरमीम के साथ, अगर हम कुछ तराने का जिससे दिखा सकते हैं ताकि फिर हम शान रमज़ान 2022 की फिर नशरियात के हवाले से बात करें। आप दिखा सकते हैं तराने का जिससे, या फिर हम अच्छा जरा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो खैर उसके बाद जी 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 चलें दिखा दीजिए। तो शान रमज़ान के इस तराने से हम सबकी बहुत यादें वाबस्ता हैं। इस हम रमज़ान के अलावा भी कभी इस तराने के दो बोल भी सुन रहे होते हैं तो हमें फ़ौरन ये तराना जो है वो रमज़ान की तरफ ले जाता है। और शान रमज़ान 2022 में मेरे लिए ज़ाती तौर पर ज़रा सा चैलेंजिंग इसलिए था कि इस दफ़ा ये पहली मरतबा हुआ है रमज़ान के 10 सालों में, और ये इस दफ़ा ये भी था कि शान रमज़ान के 10 साल में मुकम्मल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली मरतबा हुआ है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के दरमियान शान रमज़ान आ रहा था, वरना आमतौर पर होता है कि रमज़ान से 5-10 दिन पहले पॉलिटिक्स बहुत हल्की हो जाती है और उसके बाद ईद के बाद ही होता है जो कुछ होता है। इस दफ़ा पॉलिटिक्स न सिर्फ ये हल्की नहीं थी बल्कि अपने बिल्कुल पीक पर थी, यानी एक हुकूमत का आना या एक हुकूमत का जाना इससे बड़ी कोई सियासी पेशरफ हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन से भी बड़ी पेशरफ थी, इसलिए कि इलेक्शन में आपको पता होता है कि एक हुकूमत जाएगी और एक हुकूमत आएगी। यहाँ पे ये था कि मालूम ही नहीं था कि कोई हुकूमत आएगी जाएगी, तजिए चल रहे तफसीर चल रहे, तो बहुत ज़्यादा सारा सिलसिला था। तो उस सब के बीच में जो है वो, इसीलिए मुझे याद है यकूब रमज़ान थी जब मैं कोई सुबह 11 बजे यार मैं न्यूज़ पर नशरियात करने के बाद फिर जो है वो दोपहर 1-1.5 बजे यहाँ पर थे, तो उस सारी हैपनिंग में था। बहरहाल फिर रमज़ान के सफ़र का आगाज़ हुआ। हमेशा इस सफ़र का आगाज़ करते हैं मशहूर मारूफ और आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ कारी और नात खां जनाब कारी भाई सफर कासमी साहब की आवाज़ से, तिलावत कलाम पाक से नशरियात का आगाज़ होता है। और हम बाकायदा ये भी कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले जो अगर 60 नशरियात हो रही हैं 60 नशरियात हो रही हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले इसको इस तक को सॉर्ट आउट कर लें कि किस दिन कौन से सूरे की तिलावत होनी है और क्या तर्जुमा पढ़ा जाना है। और इस बार चूंकि हमारा सेट अल्हम्दुलिल्लाह सारा डिजिटल था तो हमारी ये ख्वाहिश थी पिछले कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से, कि जब तिलावत कलाम पाक हो रही हो तो उस जली हरूफ में वो भी सेट पर उस वो नुमाया अंदाज में आए, और इस दफ़ा हम वो करने में कामयाब हुए और यूँ तिलावत कलाम पाक से रोज़ाना नशरियात का आगाज़ हुआ। في غير القرآن
शान रमज़ान 2022 की सबसे पहली सहरी थी, सबसे पहला प्रोग्राम था, आज मुमकिन तौर पर सबसे आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा नात का सेगमेंट आता है और मैं ये आप बहुत आप यकीन जानिए कि बहुत सिद्ध के दिल से बात कह रहा हूँ कि हमारे ये अलग हवा बात का कि हमारे जितने भी चारों जो नात खां भाई हैं जनाब वसीम वसी साहब, महमूद भाई, जुहेब भाई, मोहसिन भाई, ये मतलब ये सेट पर यानी जो ऑन एयर होता है वो तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, लेकिन सेट पर इनके होने की वजह से मैं बड़ा कम्फर्टेबल भी रहता हूँ, ईजी भी रहता हूँ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही भाइयों वाला ताल्लुक़ है कि जिसमें हम अजराए मजाक भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं। मोहसिन भाई से बड़ी मैं लिबर्टी लेता हूँ, वसीम तो ज़ाहिर है बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, महमूद भाई से बड़ा एक एहतराम का ताल्लुक है लेकिन बड़ा एक हंसी मजाक रहता है, जुहेब भाई से बहुत गपशप रहती है, तो वो सेट पर एक बहुत ही अच्छा हम अक्सर जो है वो हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और फिर जैसे ही तिलावत कलाम पाक ख़त्म होती है तो अभी सेगमेंट का आगाज़ नहीं हुआ होता लेकिन इनके चूँकि माइक्स वगैरह खुले हुए होते हैं तो ये अपने तौर पर नात की प्रैक्टिस करना कि कौन सा कलाम पढ़ना है कौन सा नहीं करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यानी जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इसलिए नहीं है जो कुछ ये कर रहे होते हैं वो कोई ऑन एयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, वो ऑफ एयर भी सिलसिला वैसे ही चल रहा होता है, ऑफ एयर भी अक्सर नाते पढ़ी जा रही होती हैं, कभी कभी ये भी होता है कि सेगमेंट खत्म हो जाता है और मैं कहता हूँ यार एक शेर और पढ़ दें सुना दें, हम सेगमेंट्स के बाद भी कभी सेगमेंट पर ही बात कर रहे होते हैं। तो एक बार फिर शान रमज़ान 2022 के में भी हमारे ये नात का आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं इस नशरियात की, और अल्लाह करे कि सिलसिला ऐसे ही हमेशा कायम व दायम रहे। हमारे नात का आज़ाद जो कि शान रमजान की जान है, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरा ये 27 रमज़ान मुबारक का अभी 27 रमज़ान का ये था, और फिर ये नात खां हज़रात आप कसीदा बुर्दा शरीफ हमारे नशरियात का इंटेग्रल पार्ट है जो कि ना सुने मुझे इतनी खुशी है बताते हुए, आज से 3-4 साल पहले हमने बाकायदा बैठ के हम जैसे साहब बैद भाई वगैरह और हम सारी जो हमारी टीम है हम सब बैठ के इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि जब शान रमज़ान में इफ्तार हुआ करे तो हम ऐसा लगे कि गोया पूरा पाकिस्तान साथ इफ्तार कर रहा है। तो मैं बड़ी मतलब बड़ी आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई ये फ़खरी अंदाज में नहीं कह रहा, लेकिन बहुत खुशी है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ जब दुआ हो रही होती है तो कितने ही घर हैं जहाँ पे एक साथ सब इफ्तार हो रही होती है, और इस चीज़ की मैं बहुत खुशी है, अल्लाह करे कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नात खाने के बाद हमारा किचन का सेगमेंट होता है, शेफ़ रिदा एक नया इजाफा थी शान रमज़ान में, और उनके तासुरात तो आपने देख ही लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि उनको एक बहुत उनको टीम ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वेलकम किया, हमें ही बहुत अच्छा लगा। कोशिश हर सेगमेंट में यही होती है कि एक थोड़ा सा ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी फन का एलिमेंट भी बरकरार रहे, चूंकि एक लंबी नशरियात है, रोज़ाना की बराबर नशरियात है, 8-8 घंटे नशरियात है, सब जागे हुए मुसलसल, सब रोज़े में, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी सेगमेंट हो, ज़ाहिर है तिलावत का तो एक अपना एक तकद्दस, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अपनी एक शान, तो वो तो ज़ाहिर एक अलग ही बिल्कुल मामला है, वरना हम कोशिश करते हैं बाकी सेगमेंट्स में कि फ़न और तफरी के अंसर के साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें हम करते चले जाएँ। तो यही मामला हमने कोशिश की इस दफ़ा के किचन सेगमेंट में भी रखें। ये अलग बात है कि किचन सेगमेंट में इस दफ़ा एक अंदोहनाक वाकया भी पेश आ गया, ये वो मौका था, कोकोनट मिल्क ये ले लें, वो उस वक्त ये बराह रास्त नशरियात चल रही थी, शुक्र है कैमरा उस अंदाज से उस वक्त कट नहीं था वायरल, लेकिन तो मुझे जो मैंने देखा वो एक एकदम वो खून का फवारा एकदम उबलता हुआ नज़र आया, तो मुझे पहली बार समझ में आई कि मुझे पहला काम ये करना चाहिए कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, सेट से आउट हो जाना चाहिए, वरना क्योंकि वो 2 सेकंड भी और अगर मैं सेट में रहता तो वो सब ये लाल लाल हो जाता सारा सेट, तो हाँ जो कि आप लोगों ने फिर देखा कि यहाँ पर वो पूरा वो लाल, बल्कि इसमें मैं ये भी बता दूँ क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में कहा भी कि वो मैंने कुछ कमेंट्स देखे इस तरह कि जी आपको इतनी चोट लग गई वो हंस हंस के सेगमेंट कर रहे थे आगे, वो तो दो बातें, एक तो कि जाहिर सी बात है नशरियात ने तो आगे चलना है, दूसरा है कि उस वक्त उनको कतई अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं जब यहाँ आया हूँ दौड़ के
तो आप लोगों को फिर एक दो सेकंड बाद पहले तो आप लोगों को लगा कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ है, और फिर जब इन्होंने देखा कि पूरा लाल 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 सब खून लहू लहान हो गया सारा, फिर आप लोगों को अंदाजा हुआ कि बड़ा कोई सीरियस मामला है। जोएब भाई वो सभी कह रहे थे कि हमें चक्कर आ रहे हैं देख के कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया उस मौके पर, और सब ने बिल्कुल भाइयों की तरह, किसी ने यहाँ हाथ रखा, वसीम ने अपना रुमाल निकाल के फ़ौरन बांधा, किसी ने हाथ से पकड़ा मोहसिन भाई, और सब सबकी एक अजीब सी हालत थी, और लेकिन बस फिर हम यहाँ पे बस आगे लेटे, और वही बस मुझे ये याद है जब पहले अचानक, और ये देखें एयरवे में अल्हम्दुलिल्लाह सारा एक कंप्लीट सिस्टम होता है, तो विद इन टू मिनट्स डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे, चूँकि यहाँ पर एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का एक अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट, तो जैसे ही ये वाक़ा हुआ अगले 120 सेकंड के अंदर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे। वो अलग बात है कि जब उन्होंने कहा कि इसमें टाँके लगेंगे तो मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, टाँके ना लगाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे पूछ नहीं रहे तो करना पड़ेगा, फिर वो तो एक बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड एक वाक़ा हो गया। लेकिन लाइव नशरियात का मैं कहूँगा ये भी एक हुस्न तो नहीं कह सकता लेकिन हिस्सा है कि लाइव तो फिर लाइव है, अब जो भी कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन उसमें भी सब ने जिस तरीके से साथ दिया मैं आप सब लोगों का उसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने बहुत करम किया कि वो जितना मुझे ख़तरनाक मामला लग रहा था वो उस तरह से नहीं हुआ, पाँच टाँके आए वो भी इंशाल्लाह आज खुल जाएंगे और सारा सिलसिला बहुत बेहतर हो गया, लेकिन उसमें भी आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया तो बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हमने कोशिश की जमा कि कसौटी का सेगमेंट भी इंक्लूड करें। पाकिस्तान की टेलीविज़न की तारीख में अगर कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको इल्म अदब में आगाही में जिनके किरदार की वजह से अगर जाना जाता है तो उसमें एक कसौटी है। कसौटी के बगैर वो फहरिस्त मुकम्मल ही नहीं होती, बल्कि शायद कसौटी उसमें नंबर वन है। अगेन हमें लगा कि अगर हम उसको बहुत ही टिपिकल अंदाज में करेंगे, जो कि बड़ा ज़बरदस्त अंदाज था उस ज़माने के लिहाज से, और हम तो वो जो असातज़ा कर गए हम तो मतलब उनकी मतलब जूतियाँ उठाने के काबिल नहीं, वो इतने पढ़े लिखे और सारे कुरैशपुर साहब उबैदुल्ला बेग साहब, तो हम वो कहाँ हैं और हम तो कोई वही नहीं, लेकिन हमने कोशिश किया इसमें भी थोड़ा सा एक तफरीक आंसर रखें ताकि लोग इसको रिलेट कर सकें। और बहरहाल कसौटी के सेगमेंट का हमने फिर इस साल आगाज किया शाह रमजान। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी शख्सियत के बारे में सोचेंगे, आप अपने ज़हन में एक शख्सियत लेके आए मेरे लिए। आई थिंक लॉरेंस होटल में एक शख्स हो सकता है जो बीफ बर्गर खा सकता है और रूम नंबर 482 में रुक सकता है। आई थिंक अच्छा आई थिंक मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है यार। वाह, आप अपनी आंखें बंद कर लें और जो इस शो के जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं वो प्लीज इनके कान में कुछ मत बताइएगा, टॉक बैक में मत बताइएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। वसीम अपनी आंखें बंद रखिएगा, सही है? सही, मैं अगर टॉपिक निकाल दिया सर। ठीक है निकाल दें। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में इनके दिमाग से ये नाम आ रहा है। अपनी आंखें बंद रखिएगा, सही है? ठीक है। और आंखें बंद करे ही आप मुझे जोर से बताएं कि आप किस शख्सियत के बारे में सोच रहे हैं। बता दूं? जी बता दें। मैंने सोचा था रमीज राजा। आगे खोले तो ये हम कसौटी कर रहे थे लेकिन हमारे साथ कसौटी हो गई थी एक दो एपिसोड में, और ये पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त टैलेंट है भाई शहीर खान, और आपने ये एपिसोड भी देखा, तो कसौटी में हम कोशिश कर रहे थे किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें करते रहे हम। शान इल्म नशरियात का वो हिस्सा है कि जिसमें हम सब मिल बैठ के बहुत हंसते हैं खेलते हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि बहुत सीखता हूँ मैं, और हम कोशिश ही करते हैं, और हमारे जो पूरी जो टीम है शान इल्म के लिहाज से हमारी पूरी एक अलग टीम है जिनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिलो जान से काम किया, क्योंकि हम टारगेट ये रखते हैं कि उसमें कोशिश करें कि हर तरह के सवालात हों, मजहबी नौयत के सवालात भी हों, कुरान की आयात भी हों, नाते रसूल मकबूल से मुतालिक सवालात भी हों, खेल के मैदान से सवालात भी हों, स्पोर्ट्स के सवालात भी हों, फिर अगर आपने नोट किया हो तो रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं कि आज सियासत में ये हो गया, उसने हलफ उठा दिया, उसने ये बयान किया, उसके लिहाज से भी जो वो सवालात हों, तो ये बहुत सारे ये कुल मिला के कई हज़ार सवालात बन जाते हैं लिटरली, ये 60 ट्रांसमिशन में कई हज़ार, ये कई सौ नहीं कई हज़ार सवालात होते हैं, फिर एक एक चीज़ की जिम्मेदारी होती है कि एक सवाल भी अगर ज़ाहिर सब जागे हुए हैं, किसी से गलती हो सकती है, किसी ने गलत लिख दिया, किसी ने सही लिखा मैंने गलत पढ़ दिया, कुछ भी हो गया, किसी ने सही बताया मैंने गलत सुन लिया, एक आध पॉइंट भी उसकी वजह से कम ज़्यादा हो गया और वो टीम हार जीत के उस वजह से, तो एक अलग जिम्मेदारी है, मतलब सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह ताला को जवाब देना है कि भाई आप किसी के साथ ज्यादती हो गई आपकी गलती की वजह से, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आंखें खुली रखने की, इसमें कोई गलती ना हो।
दावा तो जाहिर है फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम इंसान हैं तो कुछ ना कुछ गलती का इम्कान तो हमेशा रहता है। तो शान इल्म के सेगमेंट में हम सब बहुत लुत्फ लेते हैं, सही जवाब पे तालियां बजाते हैं, गलत जवाब पे ताजियत देते हैं, टीम्स डिवाइड करते हैं, आप लोग अपने अपने घरों पर खेलते हैं। तो ये एक कोशिश है कि हम ज़रा मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें जान सकें, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, और साथ में फ़न और तफरी का आंसर भी बरकरार रहे। मुख्तलिफ टीम्स हम डिवाइड करके और फिर रोज़ाना शान इल्म की महफिल सजती थी शान रमज़ान में। घबराना नहीं आपने सर, कोई नहीं, हाँ कोई मसला नहीं है। और सर जी आपने बड़ा, आपने बहुत ही अच्छा कमबैक किया, शुरू में हमें लग रहा था कि बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं आपने बहुत अच्छा कमबैक किया। सो कैसा रहा मुकाबला आपके ख्याल में? अच्छा रहा, अच्छा रहा, ठीक चले जनाब, ठीक है। सो मैं भाई आपका नाम भूल गया, सॉरी दोबारा, मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, मैं यहाँ पर ये दस्तखत कर देता हूँ। डब्ल्यू पी भाई की जाने से 3 लाख रुपए का वो कैश आपको मिल जाएगा अभी, लेकिन ये प्राइस बहुत सारी तालियां जबरदस्त, और साथ में ये रूहे रमजान परफ्यूम का तोहफा भी है आपके लिए, बहुत सारी जनाब अली। तो ये सारी सूरत हाल थी, और ये शान रमज़ान का फाइनल का सेगमेंट था, और फिर हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, उन सब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और उसमें से जो दो हैं उन्होंने तो बिल्कुल मेरे साथ ही रह रहे होते हैं, यानी ऊपर जो हमारा अपार्टमेंट है वो मतलब 3 अपार्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मेरा अपार्टमेंट है, उसके बाद डॉक्टर साहब एंड कंपनी का अपार्टमेंट है। हम बच्चों के सेगमेंट में अलग से बात करेंगे कि उसके, इसीलिए भी क्लिप्स नहीं दिखा रहे उस पर अलग से बात करेंगे, और साथ ही जो है वो हमारे 2 और टीम मेंबर्स के अपार्टमेंट हैं, उसमें मोहसिन भाई और एक और टीम मेंबर है, तो उनकी मैंने ज़िंदगी आराम की भी होती है, जिसमें बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि कल मैं रोज़ाना की तरह कल मैं उनके कमरे में गया तकरीबन सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद और फ्रेश होने के बाद 6 बजे, तो वो ज़रा उनकी आँख लगी हुई, तो मैं कहा चलो उठो भाई चले, तो मैंने कहा यार आज तो ज़्यादा काम नहीं, चूँकि आखिरी नशर याद है, तो आज ज़्यादा काम नहीं है, बस आ जाए 15-20 मिनट बैठने फिर सो जाइएगा। तो कहने लगे यार आप अजीब आदमी है, 28 दिन ये क्या क्या उठाते रहे कि भाई उठे, बहुत सारे काम से उठ जाए, आज काम नहीं है तो फिर भी नींद से उठाने के, आज काम नहीं है फिर भी उठ जाए बातें कर रहे, तो आप क्यों नहीं सोने दे रहे हमें तो लेकिन ये कि हमारा बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहता है, और हम घंटों लिटरली रोज़ाना घंटों कभी इफ्तार के बाद कभी सहर के बाद बैठे रहते हैं एक एक चीज़ पे, मसलन जो किस्से का सेगमेंट होता है उसमें कभी कभी यकीन करें ये भी होता है कि किस्से के सेगमेंट में कभी कभी घंटों लग जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे के एक एक लाइन, बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं गलती से पाक होने का दावा तो कर ही नहीं था, वो मैं सूरत में कर सकता हूँ जब मैं ये दावा कर लूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ फरिश्ता हूँ, तभी मैं दावा कर सकता हूँ ये, वरना गलती का इम्कान तो रहेगा, लेकिन पूरी यकीन जाने बहुत कोशिश करते हैं कि कहीं कोई गलती ना रह जाए, तो हम रोज़ाना घंटों की बुनियाद पर बैठते हैं, और लेकिन वो भी बड़ा एक अच्छा माहौल में और सारा काम होता है। तो ये था शान रमज़ान 2022 का सफ़र, शान रमज़ान के 10 साल हुए मुकम्मल। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि मैं और आप लोग सब, हम चारों जो हैं, हमारी जितनी भी वो टीम है जो कि कैमरे पे नज़र नहीं आती, हमारा काम नज़र आ जाता है कैमरे पे, मैं एक बात कहता हूँ बस आखिरी बात, और बहुत दिल से कहता हूँ ये बात, सिद्के दिल से कहता हूँ कि मैं वाकई बिलीव करता हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही इस सेट के बहुत सारे लोग, शायद बहुत सारे केसेस में मुझसे ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रहे होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है, चूँकि मैं कैमरे के यहाँ ये काम कर रहा हूँ, वो कैमरे के पीछे उनकी जॉब की रहती है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा, वरना अगर इनमें से कोई एक भी वीक लिंक हो जाए, कोई सा भी डिपार्टमेंट हमारा, तो ये सारे के सारे नशरियात का रंग फीका पड़ जाए, और हमें तो आप लोगों की रिकग्निशन मिल जाती है, 4 लोग तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, 2 लोग ऑटोग्राफ ले लेते हैं, तो हमें फ्यूल मिल जाता है दोबारा एनर्जाइज होने का। इनके साथ ये मामला नहीं होता, इसलिए कि ज़ाहिर इनका जॉब नेचर इस तरह का नहीं है कि कैमरे के पीछे काम करते हैं, तो मैं इसलिए हम इख्तिताम में मैं चाहूँगा कि खड़े होकर हमारे शान रमज़ान की जो पूरी जो टीम है, बिहाइंड द कैमरा जो टीम है, उनके लिए हम बहुत सारी तालियां बजाएं। अगर ये टीम ये काम ना करे, ये सारे लोग और ये सारे, तो ये नशरियात बिल्कुल भी उस तरीके से ना हो सके जिस तरीके से हम करते हैं। तो शान रमज़ान की पूरी टीम का, एक एक टीम का, चाहे हमारा वो भाई जो यहाँ पर आके सेट पे मॉप लगाता है, या इस ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर, सबका बहुत 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 शुक्रिया। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब मिलकर तालियां बजाएं हमारी ऑडियंस के लिए घरों में जो बैठे, अगर वो लोग ये नशरियात ना देखें तो फिर ये सारे का सारा मामला वैसे ही खत्म हो जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शान रमज़ान 2022 हमारा साथ देने का। आइए शान रमज़ान 2022 के तराने से ही इस सेगमेंट का अख्तिताम करते हैं, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।